أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجز عن نعته أوهام الواصفين ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق ارادته وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تاخيرا عما قدمهم اليه ولا يستطيعون تقدما الى ما اخرهم عنه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الارضين وحجته في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فدا واللعن الدائم على اعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي منا قبهم ومنكري فطائلهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف محترم ناظرين السلام عليكم وميت كرتين ان شاء الله ابخير ياتسهم الله تعالى كبار قامت کہ الله رب العزه हमारी गुनाहों की बहुत बहुत मफफरत फरमाए हमारी अमवा की गुनाहों की, की, की हमारे वालदेन के गुनाहों की हमारे रिश्तेदारों की गुनाहों की और हमारे औलाद की गुनाहों की बहुत मफफरत फरमाए और की सफ़ात और दुआ ख़ैर हमारे अमवाद के नसीब और हमारे नसीब और हमारे औलाद के नसीब फरमाए और हमें था क़्यामत أهل بيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام کی اور ولاية اور اتباع اور کے راستے پر ثابت قدم ركه اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. الراحمين يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسالك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف محترم ناظرين جماعه عمر يا شون بتان کرتے ہیں کہ Shia کو ازواج हालांकि हम जिन सब सहाबा को हम बुरा नहीं कहते हैं हम उन सहाबा को बुरा कहते हैं जिनको अल्लाह कु जिन ने कुरआन में बुरा बोला है जिनको नबी अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह से तर्द किया है और हम सब सब अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा नहीं कहते हैं हम उन अजवाज नबी अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं जिनको नबी वसल्लम ने सवाहि यूसुफ़ बोला है जिनके मतलब अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि इन्होंने नबी सल्ला वसलम से दुश्मनी की है, और जिनके मतलब अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया कि इनकी मिसाल जवज नूह और जोजई लूत की है और उनका किरदार इन अजवाज नबी सल्ला अलैहि जिन जिनको शीह जिनका तज़ीम नहीं करते जिनकी तकदीर नहीं करते और जिनकी जिन जिनकी मलामत करते हैं उनका किरदार तारीख़ में मशहूर मरूफ़ है उनके अकवाल उनके अफहाल उनके कबाए इतने ज़्यादा हैं कि जमात मरिय कभी उनके अफ़ाल पर हमसे गुफ्तु नहीं करना चाहते तो ये तान ये ऋषियों को देते हैं कि शिया सहबा को बुरा बला कहते हैं या अजवाज को बुरा भला कहते हैं हम सब सहाबा को बुरा नहीं कहते हम उन सहाबा को बुरा कहते हैं जो बुरे हैं और वो सहाबा जो नेकते जो जो नबी सल्ला वसल्लम के ख़िदमत गुजार थे जो इस्लाम के वफ़ादार थे उनसे मोहब्बत और उनकी तज़ीम हमारा ईमान है और वह अजवाज नबी सल्ह वसल्लम जो नबी सफ़ादार रहीं और जिन्होंने तकवा और ईमान का रास्ता अख्तियार किया उनकी तज़ीम यह हमारा दीन है हमारा ईमान है हमारा फरीज़ा है ये तंग तो देते हैं लेकिन ये मरदूत फ़रक़ा ये खुद भूल जाते हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्ला वम के वालद करीम के मुतल क्या बफियात बके हैं और उनके आज़म ने क्या कुफियात बके हैं और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जमात उम्रिया के अवाम को अगर पता चल जाए कि इनके आज़म का और उनकी किताबों में इनके अकाबर का क्या अदीदा इनके फ़िरके का असली अकीदा क्या है वालदिन नबी सल्ल वम के मुतक ये सब मौलवियों पर थूकेंगे और इनका अकैदा इतना घटिया है वालदे नबी सल्ला वसलम के मतलब जमात उमरिया के अक़ायद इतने घटिया हैं के इनके किा अपने आवाम से तकिया करते हैं और अपने अकायद का इजहार नहीं करते कि नबी सल्ला के मुतिक फ़िर उमरिया का असली अकीदा क्या है और उन बेचारों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी नबी करीम सल्हसम के मुतल हमारा अकैदे ये थे कि मुसलमान थे हालाँकि इन लोगों का इजमा है इनके अकाबर का इनके आज़म का और इनके फ़िरक़े का इजमा है कि वो नस्तजीर जीरो बिल्ला अभी भी जहनम है काफ़िर म रहें बुतपस्त में हैं बुतों की पूजा करते थे हजरत आजरत अब्दुल्लम अब्दुल्बल और हजरत आजरत आमनबवाह सलाम्ल और यह नस्त जीरो जहन्नम में और इसके मतलब कुरान की आयात रिवायतें अहादी सही बेन, बेन, बेन हिसाब नकल की है अच्छा ये तो इनका असली आकदा अवाम को हाथी हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और आवाम को बेवूफ़ बनाने के लिए वो हदीस दिखा देते हैं कि भाई नबी सो काफ़िर तो मरे थे लेकिन नबी सल्ह् वसम ने उनको जिंदा किया पर उनसे कलमा पढ़वा के दोबारा मरवा दिया उनको अपने व्देन को और हालांकि वो ये इनके आज़म खुद ने कहा कि हदीस मौजू है ये हदीस झूठी हदीस है ठीक है ना जो सही हदीस है जो कुरान की आयात हैं वो इनके फ़िरके में यह बताती हैं कि नबी करीम सलील वसम के वालदान मुशरक़ थे बुतप्रस्त थे काफिर मरे हैं दुनिया से वो आप भी जहन्नम है और आखिर तक जहन्म में रहेंगे नस्ते जीरो बिल् और नबी सल्ला नस्जी शिक्कजादा है अच्छा तो ये पता और, और उस अहादिश को ये आवाम से छुपाते हैं या उसकी गलत तावील करते हैं तो मेरे मोहतरम नाजिर आप, आपकी खदमत में असल बात में जो आपको पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस फरक़े का असल अकीदा नबी सल्हलम की शतम पर मबनी हो गुस्ताखी रसूल सल्ला पर मबनी हो वो कैसे वो फ़िरक़ा कैसे सरात हक़ पर हो सकता है और उस वर्क़े पर नबी करीम अलैहि वसल्लम की क्या गज़ब होगी अल्लाह ताला का क्या गज़ब होगा और नबी अलैहि वसल्लम ऐसे मुसलमानों से जो उनका कलमा पढ़ते हैं उनके वालदान के मुतल गलत अकीदा रखते हैं उनसे कितने अजियत में होंगे किससे किस तरह बारात का इजहार करते होंगे इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है ठीक है ना क्योंकि इसमें तो सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कि सब मुसलमानों का अकैदा है के तोहन नबी सल्ला वसम गफ्र है और मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि इनके अखबिर ने इनके आज़िम ने जिनसे ये अपना दीन लेते हैं वो किस तरह इजमा किया उन लोगों ने नबी करीम सल्ला के वाले के तोहन पर और नबी साल की तोहन फ़र्ज़न की तोहन तो पता चला कि असास ही से यह मजहब जिस तरह अबूबक उमर की, की खिलाफत तोहन रसालत है, तोहीन तोहहीन अल्लाह तर मसले पर तोहैद पर आ जाता है इनका तोहीन अल्लाह रसालत पे आ जाते हैं रसूल सठिया बातें नस्बत देते हैं और फिर अहलब ताहरीन आलम जो उनके उसिया बरहक़ हैं उनके मुतक से ही अहदी नबी अकबाल नबी आयात कुरान तो को रद्द करते हैं तो भाई इनका इश्काल एक दो तो नहीं है खुफरियात इस फरक़े के एक दो तो नहीं है बेहिसब है इसका हिसाब लगाया नहीं जा सकता मैं बगैर किसी तखिर के क्योंकि मैं अभी फोन कॉल लेना चाहता हूँ और आपकी वीडियो कॉल ले लेंगे इन शमत मर के आलाम से बात होगी यहाँ पर उनके से बात होगी उससे पहले मैं आपकी खदमत में कुछ आजम ने क्या बोला है मुलायजा करेंशी मुतवाब जोजे अव्वल मदीना मुनवर में जपिया यह किताब सन उन्नीस सौ सठासठ में मुलायजा करें यहाँ पर बाबन ही वे बाब उस किसके मतल है इंसान अपने वाल अपने वाले और अपने जद्दैन दादा नाना दादी नानी का करें अच्छा इस बाब में सफर नंबर दो से उत्तर में आगे जाके क्या फरमाते हैं फरमाते है क्या क्या बकते हैं वला कहते हैं इस मसले पर मुसलमानों का कोई अख्तिलाफ है ही नहीं मुसलमान से क्या मुराद लेते है? अपने फिर को लेते हैं ना मुसलमानों के इसमें शिया तो शा, शामिल ही नहीं बल्कि ये इनके आजम इनकेमाशो इनका यही तानी है, तानी है को ये ताना देते हैं किफिज को देखो ये गलू करता है नबी सैन <topics> को मुसलमान कहता जी रब के तान में से इनके कुतुब में जाइए तान यही है, के के करता है। नबी सलू करते हैं क्या गलू किया भाई उनके वालदेन को यह मुसलमान मानते हैं अच्छा वोलाफुल मुसलमान का इस मसले पर कोई अख्तिलाफ नहीं है अब्दुल سلام الله عليه مات كافرا نستجير بالله كازت عبد المطلب عليه السلام كافر مرة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثمان وثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر شريف الزواق آرت برسته یہ جو کہتا ہے مسلمانوں کا اختلاف نہیں کرتا یعنی يعني اس مسئلے اجماع ہے نا اجماع ہے وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَاتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ حَمْلٌ

हमारे फिर का और वो सयोती भी सूती के पास कोई दलील तो है नहीं कि नबी वसल्लम के वाले मुसलमान थे दलील तो है नहीं वो सिर्फ आतिफे की वजह से मोहब्बत की वजह से कहते हैं नहीं वो मुसलमान थे और वो खुद भी कहता है कि उसके पास कोई सही हदीस नहीं है इस मसले पर अच्छा और वो काफिर मरे वह कहते हैं आमीना तो मात रसूल सल्ला से नहीं और इसी तरह आमीना भी यही छह साल की मरी वो भी मुसलमान नहीं थी पता चला ना भाई कि इनके फ़िरके में क्या है इनके फिरके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमा इन मुसलमान नहीं थे न वालिद भी वालिदा दोनों मुश्किल दादा भी मुश्क नस्तजीर पूरा खानदान ही मुश्क व इनमल मुशरिकून व इन व नजस इन आदमोह इब्राहिम इमरान इब्राहिम के पूरा खानदान मुस्तफ़ा इमरान का पूरा ख़ानदान मुस्तफ़ा मुंतखब पाक साफ सुथरा ठीक है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान क्या नजस और वो खुद भी निजासत में पले बड़े نستجير بالله مرقات المفاتيح في شرح مشكات المصابيح تأليف العلامة ملا علي القاري الحنفي باكستان من صباح يا ملا علي قاري حنفي جزء رابع شاب دار الكتب الإسلامية سنة 2001 من شبية ملا علي ثم الجمهور على أن والديه صلى الله عليه وسلم مات كافرًا أمارة جمهور علماء کا عقيدة يا والدين النبي صلى الله عليه وسلم جمهور أشاعرك ما تريد أهل کا سب كتصاب كصابي جمهور يعني کا عقیدہ عقيدة کہ والدين النبي صلى الله عليه وسلم كافر مرة يا ہے مش بلى مرعات المفاتيح في شرح مشكات المصابيح تيجي نا بھائی مرعاة المصابي في شركة مشكات المصابي سنة 1984 وشراسي ما تشبيها كان بي عظم قرد انديا وغيرها ما تشبيها يان بي نمبر 512 وبارا ما كيا كتا الحديث يا حديث نقل كرتا استعذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي يتو مسلم كي حديث أنا मैंने अल्लाह तलब किया कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे के मैं अपनी वाल के लिए इस्तेफ़ार करूं तो अल्लाह ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी इस्फ़ार नहीं कर सकते कहता है इसका का मतलब क्या मात इस्लाम्स के नबी सल इस्लाम के अलावा किसी और दिन पर मरिया وهو مذهب جمهور العلماء في شان ابويه اور یہ جمهور علماء کا عقیدہ ہے النبي صلى الله عليه وسلم کے متعلق دونوں والدین کا سر والدین والد بھی ٹھیک البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم ابن حجاج تعليف محمد محمد ابن الشيخ علي بن ادم चाबदार अबजी किताब छपिए सना चौदह सौ बत्तीस में मुलाजा करें सफ़ा नंबर छः सौ इकतीस में वो लंबी बहस चढ़ते हैं कहते हैं कि अली कारी ने कहा कि जमहूर का कौल है कि वालदे ने नबी वसल्लम काफिर मरे इब्न हजर अल हैतमी अल की उसने क्या है कि नहीं हमारे पास हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिंदा किया है फिर उनको फिर वो मर गए ये हदीस सही है

कि नबी सल्ला ने इज़्ज़त मांगा अल्लाह से कि मैं अपनी वालदा के लिए इस्तफार करना चाहता हूँ अल्लाह ने इजाज़त नहीं दिया तो इसमें कोई तारूज ही नहीं है वो मुर्दा वो काफिर मरी है जहनम गई है फिर रसूल सल्ला वसम ने उसको जिंदा किया कलमा फिर पढ़वाया फिर मोमिन बन गई है फिर जन्नत चली गई तो इन दोनों में तारज़ कहाँ तारुज़ है नहीं हालांकि भी कहते हैं ये भाई ये ये जिंदा करने वाली हदीज़ है ये सही है और बहुत सारे ने इसकी तस्ह की है और जो है मुस्लिम की हदीज़ है उसमें मा ने तान किया है सब झूठ है भाई السب إسناده حيتمي نقوله سب جودة. كيوم كذا قولوا ابن حجر ابن حجر حيتمي ابن حجر الأسقلاني ابن حجر حيتمي حديث سعيٌ غير صحيح إسناده جواه حديث سيء غادي السعي يسكي أبني قول غير سيء. وكذا نسبة التصحيح القرطبي وابن ناصر الدين غير صحيح إسناده لايك كثرتبي ناصر الدين وغير النبي سليس كتسيه وبيجود كراية سب جود جود بجود فقد ذكر السيوطي ومن ماله لِلْقَوْلِ بِأَحْيَائِهِمَا وايمانهم من العلماء سوى فقد سيوطين يدعاكيه كيف فلان 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 عالم اس حديث کے ذكر احياء کو ذکر طرف اختیار کیا اور قول بھی ان علماء کے متعلق جن کا متعلق نے نسبت ان علماء حديث احياء کی حديث احياء طرف ولما كي يقول لي ثم قال مسيوتين خذ بولا يا حديث احيا هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين اجسب محدثين كاجماع حديث كان حديث احيا ثم بل قيل انه موضوع بل كي بصاروا ان حديث موضوع تو قول دو قول دو اقوال كي دار مدار كوي تصيق قائل نيه بصاره اکثر ہے موضوعیت کا قائل ہیں اور کچھ نے بولا ضعیف تو صحت کا کوئی تو اشد من حاول في اثبات نجاته لهم. اور سيوطي نے تین کتابیں لکھی ہیں بلکہ چار کتابیں لکھی ہیں بہت کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اسلام ثابت کے اسلام ثابت کر انہیں کر سکا خود بھی کہتا ہے کہ یہ فلو كان احد من الحفاظ حفاظ الحديث قال بصحه هذا الحديث لذكره ونصره

وإنما دافع عن القول بوضعه فقط ولم يبرهن على ذلك سيديك بوري كوشش يريه كي يصابت كره كي صابت كرنه كي نصحت صابت كرنه كي كوشش كي اور اسمه ولم يبرهن على اسمه بنا كامرة هذه احیاء کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نبی نے زندہ کیا کہ کلمہ پروایا اس کو بھی موضوع ثابت نہ کرنے یعنی ثابت نہ کرنے میں ناکام رہا زعيف تک ثابت نہیں کر سکا اس فالحديث ما صحه عالم له عنايه بالحديث فرماتے كي كوي کوئی بھی کسی کوئی دنیا کا کوئی عالم جس کو احادیث کا پتہ ہے اس نے احیاء کی وانما صحه من يعتمد على الرؤيا المنامي والطرق الكشفيه كنز التزيكيه جو خابون خواب، پر یقین رکھتا ہے کہتا میں نے خواب میں دیکھا بھائی تیرے خواب کس کی کون اچھا پھر قال الجامع عندي الاولى والاسلم الوقوف مع النصوص الصحيحه كحديث الباب وحديث المذكور كتنا مرنس نزديك اولى او لا كجسم واجبية جسم اس مسئلے جو صحیح احادیث ہے اسی طرح عقیدہ جس طرح مسلم اس کو اس باب ملايا اور حديث مذكور مسلم نے اس حديث ان ابي واباك في النار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہد نستجر بالله فرما کہ والد صاحب جہنم میں میرے والد صاحب جہنم میں فإن جل الحفاظ من المحدثين على انه موضوع ابن حجر کا جو قول ہے لا يلتفت اليه اس کی طرف کوئی ابن حجر اہتمی کی بات نہ مانو ایسے بکواس کر جل الحفاظ کہتے ہیں موضوع حديث إحياء موضوع سمجھ گئے نا بات اپ کو رسالة في حق أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم الحلب محمد ابن إبراهيم الحلبي الحنفي متوفى سنة 945 بنتاليس زمانه كان بہت بڑا احناف کے عالموں میں سے گزرائی اس نے کتاب لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اچھا چاب دار المعارج کتاب 2008 میں قاہرہ میں چپی ہے ملاحظہ کریں اس کتاب میں نمبر 27 میں کیا فرماتے ہیں فرماتك يا بكتين وأما الإجماع إجماع فغير خفيا فغير خفيا إجماع بس مخفي بوشيدا نية أن الأمة مجمعون بورا أمتك إجماع أمتك أمر فرقية عمرية إجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومنا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف زمانيس لك آجتك على كفر قصيف من بعده

وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى جو أحاديث نقل كي جاتي النبي صلى الله عليه وسلم نبني والدين كو يا كلمة پربايا دوبارون كو مرواد جنت جنة بجوا يا سب جوت ہے بھائی جوت سب افترى وبعض ضعيف جدا لا يصح بحال اور ان باز سے جو موضوع نہیں ہے وہ جو کبھی صحیح باتفاق ائمه الحديث على وضعه وضعفه اور سب علماء حدیث نے ان کے موضوع ہونے اور ضعیف ہونے پہ نام بتاؤ جی ابن شاهين خطیب ابن عساکر ابن ناصر ابن جوزي سہیلی قرطبي محب الطبری فتح الدين ابن سيد الناس إبراهيم الحلبي وجماعة اور ایک بري بڑی جماعت حفاظ کی ٹھیک ہے نا پر کہتا سیوتی بولا کہ یہ کو زندہ کیا. زندہ کر کے کلمہ پڑھوا کے مروا شيخ جلال الدين السيوتي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين واثبت لهم الإيمان والنجاة س... مح... عبد الرحمن السيوتي نے علماء ومحققين كمخالفتك. کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں بعد, بعد. قلت على علامة السيوتي متساهل جدا لا عبرة بكلامه في هذا الباب كتعلمي السيوتي كاسم سلاب بار پر... بروان ناكر وسكي بات كي طرف التفات ناكر وتوجهنا وہ ایسے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کچھ انہوں نے لکھا ہے غير احتياط سہل انگاری میں بغیر احتیاط کے ایسے بکرا ما لم يوافقه كلمه كلام الائمه النقاد اي محققين نقاد محققين كبار وسويتي كقول سے کوئی متفق نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا بھائی اچھا ان کے علماء سے ملا القارية حنفي مذهب ك ك عالم الدينه बहुत مرقات المفاتيح هون اللي ك و اربعا كتب شرح الشفاء وغيره وغيره يا وغير كتاب وغير خلاصه الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمحبي الجزء الثالث يا كتابي هنا پر مولا علي قاري کی ترجمے میں وہ علي قاري کون علي ابن محمد ابن علي بن محمد سلطان الهراوي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكه وأحد صدور العلم के अबर में से फर्द असरी अपने जमाने का वाहि आदमी अलबाहत फिर तहकी व तनकी अहल इबारात व शहरत हु काफी फीव है कहते हैं कि वो तहक़ीक़ इबारात तहकी कुत में जमाने का एक फ़र्द आदमी है और उसकी किताबें काफ़ी हैं वह हमें उसकी तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है واشتهر واثاره صيته صيته والفت والفت التاليف الكثيره مشهوره گیا. اس کی شہرت بہت وسیع ہے اس نے بہت ساری کتابیں لکھیاں اس کی کتابوں میں بڑے فوائد جلیلہ ہیں مشکات اس نے لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں ٹھیک ہے نا اس کی بہت تعریف البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي شيخ الاسلام محمد بن علي الشوكاني متوفى سنه 1250 कुतुब इस्लामी यहाँ पे सफर नंबर चार सौ पैंतालीस में मुला कारी हनफी की जो है शरह लिखता उसके तर्ज़मा हरात में उसकी विलादत हुई ऊपर मक्का चला गया और मक्के में ही रहे अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारे और बहुत सारे महकिन का वो शागिर रहा है उनमें से अपने हजर हितमिया अच्छा मुसनफ़ा हैं उसके शर है मशक़ात शरालयले शर व शर जजरिया शर नखब फ़लान फ़लाँ फ़लान اور اس کے وصف میں علماء نے کہا الجامع للعلوم النقلية والعقلية المتضلع من السنة النبوية صلى الله عليه واله احد جماهير الاعلام ومشاهير اول الحفظ والاف والافحام أجل. تو اس کے شان میں بڑے علماء نے قصیدے گائے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا عالم ٹھیک ہے نا میں ترجمہ کرتا اس کے القاب اور اس کے تعریفوں کا کیونکہ بہت ساروں کو سمجھ آ جاتی ہے عربی کے الفاظ سلام الله علیہ وسلم अच्छा इसकी कई किताबों में इससे तस्वीर किया क्या कि भई अबू हनीफा यह खुद हनफिया अहनाफ आह, के मुश्तदीन में से और अहनाफ के मुहदसिन में से और बहुत अकबिर मुहदसन अखाबिर मुश्तन में से मुला और कोई छोटा आदमी नहीं है और इसकी वफादारी अबू हनीफा के साथ खुद हनफिया मसहब का हामिल है उससे वो किसी के लिए पोशीदा नहीं है एक से ज्यादा अपने तसनीफात में तस्वीर करता है कि अबू हनीफा का भी यही राय अबू हनीफा का, इसका खुद का भी ये राय अबू हनीफा का भी यही राय और तमाम मुफसरीन मुहदसन कलाम जमातरिया के अकाबिर का अकीदा यही है कि वालदे रसूल सी काफिर थे सिवाय अब्दुलर मुलायजा करें यह किताब अकीदत है इसके जमीन में एक किताब चपिया معتقد ادله معتقد ابي حنيفه في ابوي الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب بار بار چپی ہے ایک دفعہ نہیں چپی بہت سارے اس کے بہت سارے چاپ ہے حیدرآباد دکن میں چپی ہے دہلی میں اور سب میں عبارات ایک جیسی ہے اگر میں کتاب دکھاؤں تو دوسری کتاب دوسری پرنٹ بھی دکھاؤں تو اس میں عبارت یہی ہوگی اچھا یہ کس کا ہے علی ادله معتقد ابي حنيفه في ابوي الرسول صلى الله عليه وسلم کہتے ابو حنیفہ کا عقیدہ والدین الرسول صلى الله عليه وسلم کے متعلق کیا और उसके अकीदे की दलाइल क्या उसके मजहब का एक बहुत बड़ा मुश्त मुहदस मुहकारी उसकी तवजी दे देता है कहता है अच्छा सफर नंबर चार सौ तिहत्तर में मुलायजा कर आतमारे अल्लाह का खौफ करो जिस मजहब के ओलमा ये कुफर बकने से ब, ब, ये तकते नहीं है नबी करीम अलैहि वसम की बेहरमती उनकी अजियत करते तकते नहीं इस पर इजमा करते हैं अकबर से अकबर आल अ से आलम वो मजहब कैसे सही हो सकता है और शियों पर तान करते हैं इनको कि लमा किशियतू करते हैं नबी सल्लाम के वालदे को उन्होंने मुसलमान बोला कहते हैं फ़रमाते हैं इमाम आज़माल यानी अबू हनीफा अपने किताब फिकबर में ये नस किया उन्होंने ووالدا الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر والدين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بن مريم ٹھیک ہے نا ابھی جو کتابیں فقہ اکبر کی چھپیاں الله سے یہ عبارت نکال دی ان لوگوں نے مخطوطات دیکھے وہ کہتا مخطوطات من یہ لکھا ہے مات على الكفر با یہ کہتا ہے یہ کفر جو ہے اه فطرت کی کی مات على الفطره उसका ये फितरत जो है कुफर बन गया है वो नुस्खा करने में चेंज हो गया तो मुल्ला अली कारी पागल था तुझे पता चल गया कि नुस्खे में क्या लिखा उसको नहीं पता था पर मैं मुस्नद अबू हनीफा से दिखाऊंगा कि अबू मुस्नसर फस्ने फक अकबर में बल्कि मुस्नद अबू हनीफा में भी अबू हनीफा ने तौहीद पे तशरीक किया वो तो आएगा इंशा अल्लाह अच्छा हादा رد अलामन अलमन कल रसूल सल्लामान कहते हैं ये तो वाज फ़तवा है हमारे आलम का हमारे इमाम इमाम का इमाम आजम का वाज़ फ़तवा जब बगदाद जाना तो बगदाद में वहाँ पर मरकद है हज़रत इमाम मूस जाफ़र आलाम का और हज़रत इमाम जवाद आँ पर जाना एकदम वहाँ पे शान देखो मलकूत देखो अल्लाह का नूर देखो और दरिया के उस पार अबू हनीफा का मजार है उधर जाके देना सब उधर मनशियात, सब उधर चर्सी पंगी और लिवादकार और अल्लाह का भला करें जो तवाइफ, वो सब उनका अड्डा है उधर ठीक है ना हाय बगदाद जब जाना कभी तो उधर भी जाना इधर भी जाना जी ठीक है ना उधर देखो उधर देखो रोज़ा मेरे मौला हजरत मुसम जा महमदीवा की उधर देखो क्या नूर है ओह होबे की हवा कहाबे की नसीम वही रोज़ रसूल सल्लाम की खुशबू क़दासत वही मला के परों के और उनकी परवाज़ की आवाज आ रही है आ अल्लाह क्या नूर क्या मानवियत क्या गिरी क्या सजदे क्या तवसल क्या करामात क्या मोजात बेहसाब दरिया के उसके नारे जाओ <स्थिखे> इमाम आजम का खबर है उधर जाओ उधर उधर एक बैठा है चर्च है दूसरा उधर बैठा है भाई किसी लड़के के पीछे लगा उसके के उसके साथ कैसे करे पीछे जाके ठीक है ना और तवाइफ उधर घूम रही हैं बहर वह कहते हैं ये तो रद है भाई हमारे ने फतवा ही दे दे कि देखे नवालद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान नहीं है वह अलामन कौल माता रसूल सल्ला دعا الله لهما فاحياهم الله واسلما ثم مات عليهما اور یہ اس بات کا بھی رد ہے جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی زندہ ہوئے کلمہ پروا دیا دوبارہ مروا دیا ان کو اچھا. کیا کہتا؟ فاذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الامام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنه واتفاق الائمه الأعلام کہتا اس مسئلے پر قران سے بھی میرے پاس دلیل ہے سنت سے بھی دلیل ہے اور اجماع سے بھی دلیل ہے اجماع بيا ماره علماء کا. کہ کس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الكريمين کریمین ناری ہیں نوری نہیں ہیں ملاحظہ کر پر نمبر چار ہے اجماع وأما الاجماع اتفق السلف والخلف سلف وخلف کا اجماع سابق علماء اور موجودہ علماء کا سابق صحابہ کا اجماع تابعین کا اجماع ائمه اربعہ شافعی مالک احمد بن حنبل اور ابو حنيفة.

और फिर एक और दलील आपको दे इसी इसी इसकी इसी किताब में कि अबू हनीफा का अकीदा क्या है वही जो मुलाली कारी कह रहा है जो उसने अपनी किताब अकबर में लिखा है और मुस्तद अबू हनीफा में भी कहा है अकीदा वही अबू हनीफा का इसी किताब के सफर नंबर पांच सौ तो एक में कहते हैं मुलाली कारी कहते हैं कि हमारे ज़माने में एक अजीब एक बहुत बड़ा हनफी आलिम है हमारे जमाने में एक, एक बहुत बड़ा हनफी आलम है सब लोग उसकी इज्जत करते हैं और ये हनफी आलम खुद भी यही कहता कि ठीक है अबू हनीफा का अकीदा यह है कि वालद रसूल सल्लाह ले लेकिन मैं उसको नहीं मानता तो ये बहुत वाजहे न सिर्फ खुद अब, आ, मुल्ला अली कारी ने इस बात को नकल किया बल्कि इसको अपने जमाने के बहुत बड़े हनफी आलम से भी इसी एतराफ़ को कि अबू हनीफा का अकीदा क्या है उसको भी वाजहे कर दिया बता दिया फिन गरीब है ہمارے زمانے ما ایک بہت عجیب واقع ہے بعض العلماء علماء الحنفية کہ ایک بہت حنفي حنفی عالم ہے بلغ غاية القصوى في مرتبة الفتوى فتوى کے مقام پر بہت بڑا مجتہد ہے بہت بڑا مفتی ہے احناف کا افتا تبعا لسيوتي وجمع من الشافعية سيوتي اور سیوتی جیسے کیونکہ سیوتی بھی شافعی تھا نا اسی کے پروکار شافعي جیسا فتوہ دے دیا مع اتلاه على عقيدة عقيدة إمام الملة الحنفية هل أنك أسكو بطا يخد حنفية اور حنفيون کا مفتية اور اسكو بطا بيها كابو حنيفة حنفة کا اس مسئلے میں فتوى کیا اس نے موافقت کی كي موافقت آه كي آه سيوتي کی كي اور اس المشهور عند العلماء मा जक्रमाम आहा ठीक है ना कहता उस आलिम, हनफी मुफ्ती क्या कहता है कहता मशहूर यही है नजदीक मशहूर यही है सब कौल यही है वही जिसके पर इमाम आजम का फतवा वलमजान गैराम तस्यूती और इससे वलमजान हो और इस कौल से इमाम आजम कभी रुझू नहीं किया नीफा ने कभी रुझू नहीं किया कि ने नारी है नूरी नहीं है, है, है। अच्छा, मगर यह क्या करें कि ने सनत के साथ नकल की है कि अल्लाह तदेन को जिंदा किया फिलहान फिलहान फिलान मौजूद है नहीं ठीक है ना तो यहां पर भी एजमा का और अबू हनीफा का कौल आपके लिए साबित हो गया अच्छा मुलायजा करेंजी هذه كتابه نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم تعريف الدكتور احمد بن صالح الزهراني. سيوطي صاب كي رد سيوتي رادمه اسنا كتاب ليك. سافا نمبر دوس نقل كرتين قال السيوطي خاتمه وجمع من العلماء لم تقوي عندهم هذه المسالك فابقوا حديثي المسلم ونحوهما على ظاهرهما. सूती ने कहा कि कुछ उलमा की एक जमात ये कौल के अल्लाह तबी अलैहि वसल्लम के वालदे को जिंदा कराया नबी ने वसल्लम को कलमा पढ़वाया और दोबारा मर गए यानी हादीसी अहिया ये हाहादी अहिया के सेहत के कायल नहीं हुए की एक जमात, ठीक है ना और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जी नहीं हमारा कदर वही है जो मुस्लिम की हदीस है दो हदीस हैं और उन जैसे दूसरे अहादीस हैं उन पर हमारा ईमान है कि नबी सल्ला वम के वालदे नारी हैं भाई जानम है

زہرانی صاحب فرماتے ہیں ہادا مذہب جماہیر العلماء کہتا ہے یہ کیوں کہتا ہے العلماء کہ ایک علماء کے ایک جماعت کا ہے. یہ عقیدہ علماء علماء کی واضح کا علماء کی بل هو محل اتفاق السلف ناس صرف علماء کی اکثریت کیا واضح اکثریت کیا عقیدہ یہ سلف اس اجماع اجماع कहता है कि की एक जमात ने यह बात बोला को कम करना कहता है की एक जमात ने बोला यह क्या है की जमात की, की बात नहीं यह सब क्या सब उलमा का कौल है सब उलमा का कौल है समझ में आई ना बात आपको मेरे मोहतर अच्छा अब मैंने आपकी खिदमत में इनके अकाबिर जिनके इनके नजफ़रक में इनके आलम में इनके तहकीक में कोई सवाल है नहीं उनके अकबाल आपके सामने पेश कर दी कि इनके हाँ इस मसले पर इजमा है इजमा है इस मसले पर यानी शत में नबी सल्लाजमा किया नबी सल्लाम की बेअज़्ती पर नजीबी सल्लासम के हथ के हरमत पर नबी सल्लम के गुस्ताखी पर नबी सल्ला वसलम की अजियत पर अपने कुफर पर यानी इजमा किया इन अच्छा अब मैं दूसरा अखबाल आपको दिखा देता हूँ उनके कुतुब से इनकेबिर ने इस मसले पर तस्रीह किया काबिर ने इस मसले बहुत बड़े बड़े ने तस्वीर किया मुलायजा करें आला की यह तस्वीर नहीं करना चाहते इसको ऐसे गोल मोल करके पेश करते हैं ना कि इनके अकीदा जाहिर ना हो बहुत चालाक होते हैं कि -कि पकड़े ना जाए लेकिन हमने फिर भी इनके कुतुब से निकाल दिए मवार निकाल दिए मुलायजा करें यह किताब दलाबू अबी बकरबा साल नंबर चार सौ अठावन चार सौ अठावन सिर्फ अव्वल शाहबलमिया किताब छपी है सन उन्नीस सौ अठासी में ठीक है ना भाई हदीस नकल करते हैं सफ़ा नंबर एक सौ इक्यानवे में वही मुस्लिम की हदीस है कि एक शख्स ने रसूल सल्ला से कहा मेरे वालिद वहाँ उसने कहा जहनम है वो आदमी पीछे चल गया तो उसको बुलाया कहा कि मेरे वालिद वी जहनम है इन अभी अबा के फिनार मेरे वालिद आपके वालिद के साथ इकट्ठे जहनम है दोनों हजरत अब्दुल्ला भी जहनम है इस हदीस को नकल करने के बाद अगले सफ़े में वो फरमाते हैं अगले सफ़े में एक और हदीस नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला अब्दुल्लाह अब्दिल्लाबन आमर से अब्दुल्ल्या आमर अबिन से रवायत करते हैं कि हम गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्रिस्तान कब्रिस्तान में से वापस आए हज़रत जहरा सलाम को देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी फरमाया कि मैं गई थी वहाँ पर किसी का वफात हुआ है तो मैं उनको तसलीत देने गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आप कब्रिस्तान में भी गई थी उन्होंने कहा नहीं मैं कब्रिस्तान में नहीं गई थी तो उन्होंने कहा कि नबी सल्ला ने फरमा लखमु तो कब्रिस्तान गई होती कब्रस्तानब्रिस्तान गई होती तो आपको जन्नत कभी जन्नत आप पे हराम हो जाती जिस तरह आपके वाल के दादे पर जन्नत हराम है यानी आप जन्नत नहीं देखती जिस

ये इनका बड़ा आलम है ये इनका बड़ा आलिम है कि सुबह शाम ये आके बुतों के सामने रुकू सुजूद करते थे हद हाँ। और इसी सजदा करते करते बुतों पर ये मर गए वलमुदीन उदीन आई सब न मरिये मैं आसलम कम अज कम दीन ईसा तो मान लेते ना दीन ईसा को भी इन्होंने ठुकरा दिया था कबूल नहीं किया था सही है तस्वीर है कि नहीं ये किताब है सुनसई लेरहन لاحمد لا بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي في طيب كلام الجزء الرابع شاب مطبوع مكتب مكتب المطبوعات الاسلاميه بحلب اچھا یہاں پہ جلد نمبر 4 میں نمبر 90 میں قبر المشرك عنوان كم کیا عنوان رکھا اس نے مشرك کی قبر کی دیدار مشرك اچھا مشرك اس میں صرف ایک ہی حدیث لے کر زیادہ حدیث ایک ہی حدیث तो इसके हदी से पता चल जाता है कि मुशरक कौन है और किस मुशरक के कब्र की बात हो रही है मुशरक के कब्र की दीदार अच्छा जियारत बोलते हैं दीदार को विजिट करने को मशरक के कब्र की दीदार को अब हुरर से रवायत करते हैं रसूल सल्ला वसम अपने कबर अपने कब्र उम्मी अपने वालदा के कबर पर गई गए हैं फबा का खुद रोए और हमें भी रुलाया और फिर कहा कि मैंने अल्लाह त मांगा कि मुझे इजाजत दो कि मैं अपनी वालदा के लिए करूं फलम यो इस्तार ये अल्लाह ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी पता चला ना कि ये नी मलून ने वाज़ाल्फाज में किस को मशरक बोला है और किस को मशरक ज़्यादा बोला है। ठीक है ना ये किताब है शर हसै मुस्लिम लिलका अयाद अलमुसम इकमाल बफवाद मस्लिम लिलका अयाद युज़ाल किताब छपी सन उन्नीस सौ अठानवे में ये सफ़ा नंबर है चार सौ बावन अच्छा इसी हदीस को मुस्लिम की जो हदीस है कि अपनी वालदा के कबर पर वो जाते हैं और लोगों को रु लाते हैंदन तुरब भी अल्लाह तला से मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दो मैं इस्तफार करूँ अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी वही अल्फाज है उसके शरम़ अयास क्या कहते हैं इसतज़ान सल्ल यह कि नबी सल्ला वसलम ने, ने अल्लाह से ऐज़न मांगा इजाज़त मांगी कि मैं मुझे इजाज़त दो मैं तोबा इसतार करूँ अपनी वालदा के लिए फ़िज़ियारत कब्र अच्छा इजाज़त मांगिए कि मैं अपनी वालदा के खबर पर जाऊँ वालनोफीज़ालिक और अल्लाह ने इजाज़त दी है कि जाओ अपनी वालदा के कबर पर वहाँ पर विज़िट करो दलील ये दलील है अलाजवाज ज़ियारतूर वसीआबामशी ये इस बात की दलील है कि आप मुश्किन की खबरों को क्या कर सकते हैं विज़िट कर सकते हैं और मुश्किन के साथ जो दुनिया आपके वालद वगैरह अगर मुश्क है तो उनके साथ नेकी कर सकते हैं कि भाई कब्र को देखना एक विजिट करना एक तरह से नेकी है उसका हक अदा करना ठीक है ना <laughs> मुश्किल <laughs> तो इसने किसको को बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को वाजे मुश्किल बोला अच्छा मुस्लिम की अदीस है बड़ा मशहूर है सही है मुस्लिम चाप दार्फिकर मुलायजा करें के? ये तो मुस्लिम क्या है मुस्लिम इनका तो कुरान के बाद यही मुस्लिम है ना कहता है कि असह أصح الكتب بعد أصح الكتب بعد بعد القرآن بعد كتاب الله الصحيح القرآن كي بعد سب سي كتاب كي بخاري مسلم من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين جو كفر بمرتا وہ جہنمی ہوتا ہے اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوتا اور کی جو كفر بمره जिसके लिए शफात भी फ़ायदेमंद नहीं है और रिश्तेदार उसका रिश्तेदार बहुत बड़ा आदमी है उसकी रिश्तेदारी भी उसका फायदा नहीं देता ये नबी अलैहि वसल्लम के वालिद की तरफ इशारा कर रहे हैं मतलब उसके इसी बाप में यह हदीस ले कहा कि एक शख्स आया उसने कहा कि आई ना अभी या रसूल सल्ला मेरे वालद कहाँ उसने फरमाया कि तेरे वाल जहनम है जब वो पीछे चलाए तो उसको वापस बुलाए और कहा कि तेरे तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहनम है ठीक है ना तो उसने वाज तौर पर मुस्लिम ने नबी सल्लाम के वालद को बोला है और उसको बोला है कि इसको वो रिश्तेदार की रिश्तेदारी भी फायदा नहीं था। इसकी शफात भी नहीं हो सकती इस के में ये नववी है सही मुस्लिम नववी। इतालिस किताब चपी दो हज़ार में इसके जैल में मुलायजा करें इसी हदीस को नकल करता है इसकी शर में क्या करता है इसकी शरह नंबर है तिरसठ हदीस नंबर है दो सौ तीन ठीक है ना कहता है فيه احيا دي دلالت کرتا اس بات بار. ان من مات على الكفر فهو في النار کہ جو شخص جان كفر پہ مرتا وہ ولا تنفع قرابه المقربين رشتہ دار وہ بیٹا نبی ہے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ وفي ان من مات في الفطرة على ما كانت عليه على العرب من عباده الاوثان فهو من اهل النار اور جو عرب فترت کے زمانے میں. يعني میں یعنی عليه السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے زمانے کو فطرت इस ज़माने में वो अरब जो बुधप्रस्ती पे मरे ठीक है ना और उन्होंने और उन्होंने दावत हजरत ईसीम को कबूल नहीं किया इबादत अफसान पे मरे तो जाननमी है जानमी ये लोग ये लोग जान तो किसकी तरफ वाल नबीम की बात कर रहा है फ़ैन उल्लाम दावत वो अनबिया वसलम लोगों को पता था इब्राहिम की दीन क्या इब्राहिम के दीन को भी नहीं माना ईसा के दीन को भी नहीं माना तो ये भाई क्या सब जानने में ये सही है मुस्लिम है जल्द नंबर चार है भाई जो हिसाब चाप दार्फिक्र दो हज़ार में छपी यही हदीस नकल करता है किस कौन सी हदीस क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के कब्र पे जाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं कि मुझे इजाजत दो कि मैं इस्तेफार करूं इस बात को नकल करने के बाद कहते हैं

هي كتاب شرح صحيح مسلم الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج تأليفه محمد أمين بن عبد الله الشافعي الجزء الخامس شاب دار المنهاج كتاب شبيه 2009 ملاحظة كرن يهاب مسلم كي حديث نمبر 366 رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بالله ولكن کہ میرے والے صاحب جہنم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں रसूल सल्ला वसलम ने उस शख्स से जो उसने पूछा था कि मेरे वालिद कहाँ उससे फरमाया कि तेरे वालिद जहनम है क्यों ये कहा लि नुमा था शिरकल जाहली क्योंकि वो जाहिलियत की शिर में मरा था उसके वालिद ठीक है ना तो उसको बोला कि तेरे वालिद जहन्नम है और जब वो पीछे चला नबी सल्ला वसलम ने उसको वापस बुलाए तथीबन लिखा तरह ताकि उसको कुछ खुशहाल कर दें ताकि उसके दिल के गुस्से को कम कर दे एक शख्स आता है ना कहता है मेरे वालद कहाँ नबी सल्हलम फरमाते तरे वालिद जहनम में है तो वो दिल शिकस्ता हो जाता है चल पड़ता है तो वापस बुलाते हैं उसको किस लिए बुलाए ताकि इसको जरा खुश करें इसकी जरा क्या करें उखदा गुशाई करें इसका जो है गम दिल कम कर दें तो उनसे कहा इन अभी वालिदी हाँ अभी वालिदी wa अब से मुराद चचा नहीं है अब से मुराद वालिद है व अबा क्या अलिद क्या और मेरा बाप मेरा वालिद और तेरा वालिद वालम है अल उखरवी आखरतम आखर, की आखिरी दुनियाई की बात नहीं हो रही आखिरत वाले आखरत हिमा अल शिर क्योंकि मेरे बाप और तेरे बाप दोनों शिरली पे मरे नवोबी साहब ने फरमाया इस हदीस में दलील है कि जो शिर पे मरता है वो जहनम है और उसको उसका बेटा बड़ा बहुत बड़ा नबी है उसको फायदा नहीं देता अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं मुराद अब नबी सम अबू लहब अब अबू तालिब कहते हैं जो लोग कहते हैं अब से मुराद अबू से मुराद यहाँ पे वालद है नहीं है चचा मुराद है अबू लहब या अबू ताब अल्लम कहते हैं उसकी बात की तरफ तो वह जो दो ये जायिल लोग हैंफत ही हदीस क्योंकि लफ्ज़ में चचा नहीं है लफ्ज़ में क्या अब है वह नस अल्क़़ात है और नस बड़ा इस हदीस बहुत वाज है कि वालद की बात हो रही है चचा की बात नहीं हो रही

زراري المشركين مشركين کی نسل اسمه كيس كي عديد نبي صلى الله عليه وسلم كمشرك مشرك زادة يا يه مسند أحمد مسند أبو حنيفة أبو حنيفة کا مسند تأليف، أبو نعيم الإسبهاني شاب مكتبة الكوثر سنة 1994 میں अबू हनीफा का अकीदा आपने किताब अकबर में भी देखा इस किताब में भी उसने अपना अकीदा जाहिर किया अच्छा मुस्न्दे अब हनीफा में सफ़ा नंबर एक सौ चौवन में अबू हनीफा रिवायत करते हैं बु, बु, असलमी के बेटे से बुरा असलमी ने फरमाया कुल नयन वसलम एक दिन नम रसूल सल्हसम के साथ थे एक जनाजा पर एक जनाजा पर तो रसूल सल्लाम एक खबर पर गए वक़ा बस पर कड़े रहे और रोते रहे उस खबर पर खड़े हो गए रोते रहे

क्या पता चला अकीदा पता चला ना इस मसले पर फिर और फिर मेरे मोहतरम नाजन शरह मुस्द अबी हनीफा ये मुला अली कारी ने इस मुस्त की शरह लिखी मुला अली कारी साहब की अबू हनीफा ने अमानतल खूफ़ी था की शरा लिखिया उसने चाबदारुतुबलिया सन उन्नीस सौ पचासी में छपिया लिब्न बैरूत में मुलायजा है इसी हदी और वहाँ पर रोने लगे बहुत रोने लगे

الله 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 نستجير به بالله كي جهنم داخلة داخلتان داخلتون مخلدة جهنم من داخل ہو گئی اور جهنم ما بي. كون بي کون نبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اعتقده ابو حنيفة ابو حنيفة نے حدیث ایسے فضول کے ابو حنيفة كأعتقاد بي فتوى بي اعتقاد بھی فتوى بھی اعتقاد بھی وذكره في الفقه الاكبر اور اس فقه أكبر میں بھی اسی بات من ان والدي الر... والدي رسول الله صلى الله عليه وآله مات على الكفر، مات على الكفر. كي والدي النبي صلى الله عليه وسلم كفر بمره. فيك انا. فقه اكبر من به لك. وسيان عون المعبود في شرح سنن ابي ابي داوود تاليف شمس الدين العاد شمس الحق ابي مابادي. جل نمبر 9 نو اور داس شاب دار الكتب العلميه سنه 1990 او نوفمبر یہاں پر اسی حدیث کو نقل ناقل کرتے ہیں

नबी वसल्लम ने देखा है कि वालदा किस अजाब में वो तो जानना में, हो रही है। तो नबी वसल्लम ने देखा है कि उनकी वालदा कैसे अजाब हो रही है और अल्लाह इजाजत भी नहीं देता इस्तेफार करें तो इसलिए और अल्लाह ने इजाजत नहीं दिया कि वो रो लें अच्छा तो आगे क्या हाँ लेनाफरा अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि वो रो लें कि इस्तफार करें क्योंकि लेकिन

इस्तार करना चाह तो अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी और कहा कि आदि सही भी है ठीक है ना अच्छा अगले सफ़े पर अल्लाह ने क्यों इजाज़त नहीं दी कि भाई मैं इस्तार करूँ फिर यह दलील आदम जवाज़ल इस्तफ़ा इस्लाम कहते ही इस बात की दलील है नबी सल्लाम की वालदा इस्लामी मजहब पर नहीं मरे भाई दिन और था उनका और इसीलिए वो जायज नहीं है कि उनके लिए इस्तार करें और किसी भी काफिर के लिए आप इसफ़ार नहीं कर सकते और जी यह किताब है अलमसाबी अल्मातिफी शरमसाबी तालिफ़ मफरद्दीन जैदानी ठीक है ना भाई अलमुजलानी छाप अलदार असकाफी अल इस्लामी यह सब बारह दो हज़ार बारह में ये किताब छपी है जी मुलायजा करें सफ़ा नंबर चार सौ सतासठ में इसी बात को नकल करते हैं कि भाई अल नबी सल्ला वसलम की वालदा को क्यों अल्लाह ने इजाज़त नहीं कि इसतफार करें हाँ انما لم يأذن الله تعالى في ان يستغفر لامه الله تعالى نے نبی صلی اللہ وسلم کو إجازة نہیں دی کہ اپنی والدہ کے استغفار کریں لانها كانت ها بولو نستجير بالله لانها كانت كافر كيونك نستجير بالله وكافرتي والاستغفار للكافر والكافر لا يجوز والاستغفار كافر كافر كلي جائز نيا لان الله تعالى لن يغفر لهم ابدا كيونك يستغفر كربي لا تو الله ما عفني الله ما ما هي مافى کرے گا تو کیا اور پھر یہ ان کا بہت بڑا محدث ہے هيثمي ابو بکر علي ابن ابي بكر بن هيثمي الهيثمي العراقي چاپ منشورات دار الكتب مجمع الزوائد ٹھیک ہے نا جزء اول یہاں پہ ایک باب, ہے باب في اهل الجاهليه اهل جاهليته میں اهل جاهلیت کے متعلق ایک باب ہے بھائی. अच्छा उसमें जो हदीस लेके आया वो वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जहन्नम में उसको कहते हैं इस हदीस को अहमद ने रिवायत किया उसके सब रिजाल रिजाल सही हैं बुखारी मस्लिम के रिजाल हैं और ये किताब है मसाबी सुन्ना मसाबी की शरह हैतल मसाभी की, मि, मि, की शरह है किसके लिए मशकातुलमसाभी की नहीं मसाबी खुद मसावी की शरह है किसकी बघवी साहब की बघवी

काफ़िर के लिए सफ़ार होती ही नहीं ठीक है ना भाई और इतने बड़े बड़े उलमा सब कह रहे हैं फतवे दे रहे हैं एक अभी के वाल काफिर हैं ये जम उलमसाइल है इबन तमिया साहब के इबिन तमिया शेख उम अबिन तयिया हरानी सलफियों का जो इमाम है यह सब किताब छपी है सन चौदह सौ बाईस में आज से तकरीबन तेईस साल पहले दार दार आलम आलमायद में यहाँ पर صفا نمبر 33 میں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کیا ہیں فتح مكة کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مكة کے وقت اپنی والدہ قبر پہ گئے ہیں وہاں پہ وقد كانت امه ماتت كافرة في الجاهلية نستجير بالله والنبي صلى الله عليه وسلم کی والدہ کاف جاہلیت میں کافر مری ہیں اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ وسلم کو نبوت ملے यही सही अदीस यही है भाई सही है और यह किताब है मजमू अतुलफाबन तयमिया जुज एसाबलून सता इसमा मुजलत किताब छपी है सन दो हजार एक दो हजार पांच में यहां पर मुलायजा करें साफा नंबर एक सौ बयालीस में वो फरमाते हैं कि कभी यह होता है कहता कभी यह होता है कि अल्लाह काफिर को फैक्मिन शख्स नबीन वग़ैरह नबी है कहता है कभी यह होता है कि अल्लाह त अल्लाह काफिर शख्स से मोमिन को खल करता वो मोमिन नबी हो सकता है गैर नबी भी हो सकता है अल्लाह ताला कभी ऐसा होता है कि काफिर से मोमिन को खल करता है और वो मोमिन नबी भी हो सकता है फिर अगले सफे में उसकी मिसाल देता है कमा ना मिन कमी जैसे अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन से खल किया उनके वालिदैन दोनों क्या थे दोनों वालिदैन व नक़द अन उनकी वालदा की हालत है कि नबी सल्लाम को इजाजत नहीं थी कि उसके लिए इस्तार करें उनके वालद की यह हाल है कि नबी सल्ला ने कहा अबी के और मेरे वाले साहब तो जानना लम है ठीक है ना अकीदा पता चलम और फिर ये किताब है तिबनी तमिया साहब का मिनना जो एराब एर सन उन्नीस सौ छियासी में छपिया इसमें सफ़ा नंबर तीन सौ उनचाली उनचास में वो शयों को ताना देते हैं ثم من جهل الرافضه انهم يعظمون انساب الانبياء اباءهم وابنائهم. كي تنج جهله نادانيه يا احمق كي النبي صلى الله عليه وسلم كي والدين كي تعزيم والنبي صلى الله عليه وسلم كي ابائه يمكن اسباب كي تعزيم كارتين الروافز. جاهليته. الان كي النبي صلى الله عليه واله وسلم كي والدين مسلمان تيني يدور آه كي तो मेरे मोहतरम नाजरीन अब आपको पता चला ना कि जिस फिर का अकीदा यह हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाल के ये और उसी अकीदे को अपने आवाम से छुपाते हैं और उनके पास एक भी सही हदीस ना हो ए सब अहादीत जो इन्होंने नकल की है वो सब के सब मौजू हैं किस मसले पर नबी वसल्लम के वाले जिंदा हो गए थे पर उनको कलमा पढ़वाया ठीक है ना तो मैं इतफ़ा करता हूँ उससे ज्यादा तक़रीर नहीं करता वो मेरी बातें अभी खत्म नहीं है लेकिन मैसेज आ रहा है कि भाई यहाँ पे मोल हजरात मुंतजर हैं जूम पर तो मैं उनको ले लेता हूँ इंतरा सिर्फ तुम हूँ ईमान पर सिर्फ किया